नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। तब्दीली का युग खत्म हो चुका है और अब इमरान खान 2017 के रूप में आ चुके हैं, क्योंकि जिसने उन्हें सत्ता में बिठाया था अब उसने ही उन्हें सत्ता से हटा दिया है। मतलब ये कि सेना ने इमरान खान को उनकी औकात बता दी है। इसी बीच विपक्ष ने एकजुटता दिखाकर तब्दीली करने वाले इमरान खान को सत्ता से उतार कर खुद सत्ता हथिया ली है और विपक्ष के नेता बने शहबाज शरीफ पीएम बन गए हैं। इसी बीच चर्चा है कि शहबाज शरीफ की पहली पत्नी के पास उनसे ज़्यादा पैसे हैं। जी हाँ, लंदन में शहबाज शरीफ की दो संपत्तियों का कुल मूल्य 15.3 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि पाकिस्तान में उनकी संपत्ति 10.82 करोड़ रुपए की है। अन्य विवरण की बात करें तो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के पास 36 लाख रुपए की कृषि भूमि, मुर्री में 1.66 करोड़ रुपए की संपत्तियां, औद्योगिक क्षेत्र में 7,20,000 रुपए का निवेश, 2.08 करोड़ रुपए का उपहार मिला, एक वाहन और बैंक में जमा पूंजी और कुल 6.65 करोड़ रुपए नकदी हैं। ब्रिटेन और पाकिस्तान में उनकी कुल संपत्ति का मूल्य कम से कम 26.22 करोड़ रुपए आंका गया है। हालांकि 13.02 करोड़ रुपए की देनदारी के साथ उनकी शुद्ध संपत्ति 13.20 करोड़ रुपए तक मानी जा रही है। यह विवरण साल 2015 के दौरान पाकिस्तान के चुनाव आयोग के साथ साझा किए गए रिकॉर्ड के अनुसार हैं। ये तो रहे पीएम पाकिस्तान के पास दौलत की बात, अब बताते हैं शहबाज शरीफ की पहली पत्नी नुसरत शहबाज के पास कितनी दौलत है। नुसरत की कुल संपत्ति 27.60 करोड़ रुपए है, जिसमें 3 घर और 810 कनाल कृषि भूमि शामिल है। इसके साथ ही साथ नुसरत शहबाज ने कई बड़ी फैक्ट्रियों में निवेश किया है। इसके अलावा उनके घरेलू फर्नीचर, आभूषण और एक कार की कीमत 34.1 लाख रुपए है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब के कम से कम 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बनने से पहले 1997, 2008 और 2013 में पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पाक पीएम शहबाज शरीफ से ज़्यादा उनकी पूर्व पत्नी नुसरत के पास दौलत है।